आज हम क्लास 9 का जो आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है, उसका जो पोएम है वंड, ठीक है, आज हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग अब अपनी बुक ओपन करिए, ठीक है, हम लोग बुक में देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये जो जो पोएम है इसका नाम है विंड, और देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विंड होता है, ठीक है, विंड यानी हवा, ये बहुत ही स्ट्रांगली यानी कि बहुत मजबूती से, बहुत बहुत फोर्स के साथ ये बहती है, ठीक है, एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और अपने साथ बहुत सारी बर्बादी भी लाती है, विनाश भी लाती है, ठीक है, और तबाही भी लाती है। तो जो विंड है यानी हवा जो है वो अपने साथ बहुत तबाही लाती है, विनाश लाती है। तो यहाँ पर जो पोएम है, पोएट हैं, वो एक सवाल उठा रहे हैं कि हम लोग विंड के साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस पोएम में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहे हैं विंड कम सॉफ्टली, तो जो पोएट हैं वो विंड से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कि विंड कम सॉफ्टली, है ना, वो विंड को कह रहे हैं, विंड को एड्रेस करते हुए पोइट कह रहे हैं कि कम सॉफ्टली यानी कि बहुत ही धीरे, विंड हवा तुम बहुत ही धीरे चलो, एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, ठीक है, तुम जो है विंडोज़ की जो खिड़कियां होती हैं, लोगों की खिड़कियों के जो शटर्स होते हैं, ठीक है, उनको मत तोड़ो। ऐसा देखने में आता है कि जब विंड बहुत ही स्ट्रांग यानी कि बहुत तेज़ी से जब बहता है तो हमारे घरों की जो खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, वो अक्सर टूट जाया करती हैं। एंड डोंट स्कैटर द पेपर, इसके अलावा वो विंड से निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि डोंट स्कैटर द पेपर्स, यानी कि जो पेपर्स यानी कि जो कागजात डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं हमारे घरों में हवा के कारण, वो भी हमारे घरों में इधर उधर उड़ जाते हैं। एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और जब हवा हमारे घर में प्रवेश कर जाती है तो जो किताबें रखी होती है शेल्फ पे, है ना, वो सब किताबें भी कभी कभी नीचे गिर जाती हैं और इधर उधर बिखर जाती हैं। सो देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तो आगे वो हवा से कहते हैं, विंड से कहते हैं कि ये देखो, है ना, ये देखो ये तुमने क्या किया, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारे बुक्स को तुमने नीचे गिरा दिया, और तुमने किताबों के जो पेजेस हैं, जो पन्ने हैं, तुमने उनको फाड़ दिया, ठीक है। एंड यू ब्रॉट रेन अगेन, और तो और तुमने इतनी सारी तबाही तो तुम लाई ही हो, तुम अपने साथ साथ तुम रेन को भी ले आई हो, ठीक है। तो इन पंक्तियों के जरिए पोएट क्या कहना चाह रहा है, इन पंक्तियों के जरिए जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हवा जो है वो अपने साथ कभी कभी तबाही लाता है, बर्बादी लाता है, ठीक है, तो हमारे घरों की जो शटर्स होते हैं, दरवाजे होते हैं, विंडो के जो दरवाजे होते हैं उनको तोड़ देते हैं, हमारे घर में जो पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको भी इधर उधर छितरा देती है, और जो भी किताबें हैं, ठीक है, जो शेल्फ पर रखी हुई किताबें हैं उनको भी वो नीचे गिरा देती हैं, और अपने साथ जो है वो कभी कभी रेन भी लेके आते हैं। तो इन सब के कारण बहुत विनाश होता है, बहुत बर्बादी होती है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में पोएट ने जो उसका नेचर है, जो विंड का जो नेचर है वो उसको बताया गया है, है ना। उसके बाद वो आगे पोएट आगे बता रहे हैं कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, है ना, वो आगे ये कह रहे हैं कि जो हवा होती है वो जो कमज़ोर लोग होते हैं, सोसाइटी के जो गरीब कमज़ोर लोग होते हैं उनके साथ भी ये हवा बहुत ही खिलवाड़ करती है ना, और जो कमज़ोर लोग होते हैं अक्सर उनके जो घर होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, उनके घर के दरवाजे भी कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो उन कम जो सोसाइटी के जो समाज के जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग होते हैं उनके साथ हवा, है ना, बहुत ही बेरहमी से पेश आती है, उनके घर दरवाजों को तोड़ करके रख देती है ना, क्रम्बलिंग वुड्स, वो लकड़ियों को तोड़ देती है, क्रम्बलिंग बॉडीज़ वो लोगों के शरीर को, है ना, तोड़ देती है, क्रम्बलाइंस, और लोगों के जीवन को बिखरा देती है, ठीक है। यानी कि जो हवा है वो कमज़ोर लोगों को बहुत तंग करती है, बहुत परेशान करती है, और उनके जीवन को
जीवन को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। क्रम्बलिंग हर्ट्स मतलब इसका मतलब है कि लोगों के हर्ट्स को भी, लोगों के दिलों को भी तोड़ देते हैं, यानी उनका जो हिम्मत है वो भी टूट जाता है, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, तो वो विंड को फिर आगे गॉड के रूप में, है ना, विंड को एक गॉड के रूप में दर्शाते हुए कह रहे हैं कि द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, कि जो ये हवा रूपी जो देवता हैं, ठीक है, वो विनोज करते हैं और क्रशेस देम ऑल, यानी कि जो कमज़ोर लोग हैं ना, वो कमज़ोर लोगों को मजबूत, जो सोसाइटी के जो मजबूत लोग हैं और जो कमज़ोर लोग हैं दोनों को अलग अलग करते हैं, और जो कमज़ोर होते हैं वो उनको दबा देते हैं, ठीक है। यानी गॉड की वजह से हम जो सशक्त और मजबूत जो लोग हैं, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं, दोनों में अंतर साफ साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, अक्सर उनकी बहुत ज़्यादा हानि होती है। इसके बाद कहा जा रहा है कि ही वोंट डू व्हाट यू टेल देम, मतलब हवा है ना, हवा वैसा नहीं करती जैसा कि हम उसे कहते हैं, ठीक है। हवा का नेचर वैसा नहीं है, हवा जो है किसी की बात नहीं मानती, ठीक है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल देम, मतलब जो हम, हवा वो सब नहीं करती जो हम चाहते हैं, तो इसलिए हमें अब क्या करना चाहिए, ठीक है। हवा जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो कहा जा रहा है कि सो कम लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम्स। तो जो पोएट हैं वो लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आइए हम लोग एक बहुत ही मजबूत घर बनाएं, ठीक है, क्योंकि जो हवा है वो कमज़ोर घरों को तोड़ देती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों को मजबूत बनाएं। एंड लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, हम अपने घरों के दरवाजे को बहुत ही मजबूती से बनाएं, ठीक है, उन्हें मजबूती से जोड़ें, उन्हें मजबूती से बनाएं। एंड प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, हमें अपने आप को, अपने शरीर को हमें मजबूती देनी होगी, ठीक है। एंड मेक द हर्ट स्टीट फास्ट, और हमें अपने हृदय को, अपने हर्ट को मजबूत बनाना होगा, और हमें उन्हें स्थिर रखना होगा, उन्हें विचलित होने से रोकना होगा, ठीक है। यानी कि हमें एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो यहाँ पर आगे पोइट कह रहे हैं कि अगर हम अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, अपने घरों को स्ट्रांग बनाते हैं, अपने हर्ट को स्ट्रांग बनाते हैं, तो हम देखेंगे कि जो विंड है ना, यानी हवा, वो भी हमसे दोस्ती कर लेगी, है ना, वो भी हमसे दोस्ती कर लेगी। तो आगे मतलब जो पोइट हैं वो सबसे यही आग्रह कह रहे हैं कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, ठीक है, और हमें विंड से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, है ना। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, तो जो विंड होता है यानी जो हवा होती है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है, ठीक है, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, कमज़ोर आग होता है वो उसको बुझा देती है, और कमज़ोर लोगों को बर्बाद कर देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोवर एंड फ्लॉरिश, ठीक है, और हवा जो है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर होती है, यानी जो आग की बड़ी बड़ी जो लपटें होती हैं, ठीक है, अगर आग के बड़ी बड़ी लपटें होती हैं तो वो बुझती नहीं है, ठीक है, बल्कि वो और बढ़ जाती हैं, उनकी लपटें और उठने लगती हैं हवा में। तो अंत में पोइट यही कह रहे हैं कि हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, यानी कि जो हवा है ना, हमें हवा से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनकी दोस्ती अच्छी होती है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी रोज़ तारीफ करते हैं, ठीक है, यानी हमें हवा से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि हवा जो है हमें मजबूत बनने की प्रेरणा देती है, और वो कमज़ोर लोगों का नाश कर देती है, ठीक है, उन्हें बर्बाद कर देती है, इसलिए इनसे हमें सीख लेनी चाहिए, और हमें मजबूत अपने आप को स्ट्रांग करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। तो ये जो पोएम है ना, इसके पोएट का नाम है सुब्रमण्या भारती, ठीक है। तो ये इस पोएम को मैंने आपका मीनिंग बताया, ठीक है, अगर इसमें आपको समझने में कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।